अपना भाई प्लेट ले आया और पांचों लोगों के लिए प्लेट स्पेशल, तो फटाफट से अपना भाई जो है बांटेगा। अच्छा तो है, क्या केक? मथुरा केक। ये है दोस्तों मथुरा केक। तो अभी जिम्मा हो गया कि भाई सबके लिए बांटेगा, तो मम्मी इधर पेठा खा रही। कैसा लग रहा है बताओ, कुछ बताओ कैसा लग रहा है संदेश। हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। तो हम लोग जो अभी गए थे बगीचा मेला घूमने के लिए, तो आप लोगों को दिखाया पहला पार्ट में, अगर नहीं देखा हो देख लीजिएगा, दूसरा पार्ट में भी दिखाया, ये रहा तीसरा पार्ट। तो हम लोग अभी अपनी साली को छोड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। हम लोग जो है तीनों जन बहुत अच्छे से मेला घूमे, बहुत इन्जॉय किए। तो अभी जो साली को छोड़ने के लिए आए हैं सेमरडी, लगभग कितना हो जाएगा बगीचा से, 12 किलोमीटर ऐसे ही 12 किलोमीटर दूर में है। तो साली जो गई थी बस में गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग से मिली, वहाँ से हम लोग के साथ में घूमी, फिर अकेली हो गई थी तो हम लोग उसको ला दिए। तो वह अभी घर जाएगी, ठीक है। अभी शाम भी हो गया है, कितना टाइम हो गया, लगभग 5:30 ऐसा कुछ हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग अभी छोड़ रहे हैं साली को, अभी घर जाएगी तो हम लोग सीधा अभी घर निकलेंगे। तो साली जी को छोड़ने आए थे, तो ठीक है, बाय बाय, अच्छे से जाना। कि तू भी जाएगी, तू भी जाएगी, ज़्यादा साथ में रहना। तो ठीक है, साली को बाय बाय करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा मिलते हैं दोस्तों घर में, ठीक है, कि शाम भी हो रहा है, शायद पहुँचते पहुँचते रात भी हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुँच गया हूँ, क्योंकि हम लोग जो है साली जी को थोड़ा लेट में छोड़ने के लिए गए और काफ़ी टाइम भी हो गया, रोड थोड़ा उबड़ खबड़ था। तो फाइनल अभी पहुंच गए हैं, पूरा डस्ट डस्ट लग रहा है। अभी जाता हूं मैं, धोआता हूं, कपड़ा लत्ता चेंज करता हूं, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं घर वालों के लिए क्या क्या ला दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है ब्लॉग में बने रहिएगा, और हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, मतलब कैसा कैसा घूमे, सब कुछ आप लोगों को दिखाया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी मैं जो हाथ मुँह धोआ करके अच्छा से किचन साइड आ गया हूँ, और मेरी वाइफ इधर सब्जी बना रही है। पूछते हैं क्या सब्जी बना रही, क्या बोलते हैं, क्या बरी? तो हमारे यहाँ स्पेशल बरी सब्जी बन रहा है। तो और साथ ही साथ इधर फिश फ्राई हुआ है, और बाद बाकी हम लोग गए थे मेला घूमने, मैं, मेरी वाइफ और साथ में साली थी। तो इधर मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी से मिलवाते हैं। मम्मी हाय बाय। ओके रह दिन राम नाना दिन रहा। तो अभी बाकी रह गया दोस्तों ये झोले का अनबॉक्सिंग करना, तो आप लोगों को, अरे अरे ये क्या भाजी है मम्मी, सबसे पहले बता दूं एक प्रकार के बिंडो भाजी है दोस्तों, गुंडरी साग, जिसको हम लोग गुंडरी साग के नाम से भी जानते हैं और बिंडो साग के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में जो टेस्ट, कितना टेस्ट लगता है मम्मी बताइए, कैसे लगता है ये सब्जी? तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ मिलता है बता दे, बगान सब में, खेत सब में बोला जाए तो बगान खेत में मिलता है। तो दोस्तों हम लोग किस तरीके के घूमे, आप लोगों ने पहला पार्ट देखा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, दूसरा पार्ट भी देखा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये रहा तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग मेला से क्या क्या खरीद के लाए, वहाँ पे क्या शॉपिंग किए, किस तरीके के खरीदे, वो सब आप लोगों को दिखाया। तो हम लोग जितना कुछ सामान खरीदे वो सब सामान इस झोले में है। तो अभी जो है इस झोले का अनबॉक्सिंग, इस झोले में क्या क्या है, और मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए हम लोग जो क्या क्या ला दिए हैं खाने के लिए। वैसा तो बहुत तो अच्छा अच्छा चीज़ नहीं है, बाकी अच्छी ही चीज़ें बोलना चाहिए दोस्तों। कपड़ा लत्ता ऐसी चीज़ तो हम लोग शॉपिंग नहीं किए, बस खाने पीने का छोटा मोटा सामान लाए हैं, कुछ कुछ ऐसे घर में यूज़ करने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल का नया है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, हमें से रहा नहीं जा रहा है, और अपना भाई भी आ गया, दुकान बंद कर दिया, तो हाय तो बोलो। तो बताओ इस बैग में क्या होगा, कुछ तो बोलो क्या होना चाहिए इस बैग में, नहीं देखा है ना, सरप्राइज है। उसी समय से मेरा भाई बोल रहा है कि क्या लेके आए हो यार, बताओ। तो बताओ क्या बैग है, ये क्या है इस बैग में? मिठाई। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्योंकि भाई को रहा नहीं जा रहा है और मम्मी को भी देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये ट्रे है, मेरी वाइफ जो है खरीद के लाई है, और ये है टेबल में बिछाने के लिए,
टेबल क्लॉक ये इस प्रकार से है प्लास्टिक, और ये दोस्तों चिमटा रोटी पलटाने के लिए, और ये मिक्स करने के लिए, ऐसा छोटा मोटा बहुत कुछ शॉपिंग कर लिया हम लोग, और ये चाकू मेला के नाम से, और ये रहा मम्मी के लिए कंगन, ले मम्मी तुम्हारे लिए, गिरजा सब जाएगी ना तो पहन के जाना, ठीक ना? हाँ। कैसा है, अच्छा है कि नहीं बता? अच्छा है। निकाल के दिखा दे एक बार, ये तो मम्मी के लिए स्पेशल दोस्तों मैं खरीद के ला दिया हूँ, ठीक तो होगा ना बिना नाप के, लगा के देख तो ठीक होगा ना। तो अभी बाकी रह गया ये ब्रश दोस्तों कपड़ा रगड़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है ना बहुत गंदा हो जाता है, तो रगड़ने के लिए स्पेशल। और ये अगरबत्ती स्टैंड, हम लोग जब प्रेयर करते हैं तो जो अगरबत्ती रहता है उसको हम लोग आलू में गाड़ते हैं, तो स्पेशल इसके लिए अगरबत्ती स्टैंड लेकर के आए हम लोग। और ये खाने के लिए, मम्मी बताओ क्या होगा इसमें? चौमिंग। मम्मी चौमिंग बोल रही है। और इसमें समोसा, और ये मुर्रा, मुर्रा है मम्मी, और ये रबड़ी, रबड़ी है, और ये बूंदी लड्डू, और ये क्या है? अच्छा ये क्या है, क्या बर्फी? बर्फी नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ मथुरा केक दोस्तों, ये बहुत यूनिक चीज़ है मथुरा केक, आप लोगों को दिखाएंगे निकाल के। और ये रहा मेरा रुमाल, ठीक है, तो बहुत पसीना आ रहा था तो मैं जो है पसीना पोछने के लिए, और बात बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, ये लास्ट में निकलता है ये बिल। तो देखिए इतना कुछ सामान हम लोग ने खरीद के लाया मेला से, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सामान नहीं है, छोटा छोटा सामान ही है, तो फटाफट से जो हम लोग मेला से मिठाई लेकर के आए उसको फटाफट से बांटते हैं घर वालों के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, पापा के लिए। हम लोग तो हल्का फुल्का खा के आए, पर नहीं भी खाए हैं, हम लोग साथ में मिलके खाएंगे बोल करके सब लेकर के आए हैं, तो फटाफट से बांटते हैं, और बांटने का जिम्मा अपना भाई को देते हैं, भाई फटाफट से प्लेट लेकर के आए और बांट फटाफट। तो अपना भाई प्लेट ले आया, और पाँचों लोगों के लिए प्लेट स्पेशल, तो फटाफट से अपना भाई जो है बांटेगा। फाइनली अपना भाई जो है बांट के ख़त्म कर लिया, तो मैं बता दूं क्या क्या है, ठीक है, ये समोसा है दोस्तों, और ये झारमुरा, और ये पेठा, और ये है मंचूरियन, और ये है बूंदी लड्डू, और ये है क्या केक, मथुरा केक, ये है दोस्तों मथुरा केक। तो अभी जिम्मा हो गया कि भाई सबके लिए बांटेगा, तो जाओ उधर बांटो, पापा के लिए बांटो, मम्मी के लिए बांटो, फटाफट से। तो मम्मी इधर पेठा खा रही, कैसा लग रहा है बताओ, कुछ बताओ कैसा लग रहा है, संदेश है मम्मी मेला का, दे दिया। तो चलो खा के देखते हैं, सबसे पहले तो मथुराई केक खा के देखते हैं, क्योंकि मथुराई की सबसे यूनिक रहता है, क्योंकि ये अपने साइड अधिकतर नहीं बनाते हैं। अच्छा है, लेकिन देखो गर्मा गर्म खाने से अलग ही मजा है, खा रहे ना? चावल डाल दी, खा रहे हैं सब, मम्मी भाई वाइफ पापा उस साइड है, वो टीवी देख देख के खा रहे हैं। तो भाई अभी शाम का हम लोग को बोलना चाहिए, खाना पीना हो गया, शायद ही खाना खाएंगे, मम्मी खाना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, क्योंकि हम खाली पेट नहीं सोते हैं, वैसे तो पेट भर ही जाएगा, लेकिन फिर भी अपना भाई तो देखो समोसा दबक रहा है। खाई के रे तू, मम्मी खत्म करो, नहीं खत्म कर रही तो बता नहीं दे, मेरा खत्म होने वाला है, सही में मार दिया, अच्छा तो है। मेरी वाइफ जो खाने नहीं सक रही है, तो अपना हिस्सा को इधर भाई के लिए दे रही है, तो
उसको मिल बांट के खा लेते हैं थोड़ा सा। दे यार मेरे को भी दे ना, दे ओ समोसा आधा टुकड़ा दे। देखिए मेरे इतना ही ये समोसा ही पूरा मत दे, मैं पूरा खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। मैं पूरा नहीं खाऊंगा, मम्मी को दे। समोसा नहीं खाती है रे मुमकिन का खत्म हो रहा है ना। हम लोग जितना भी मेला से संदेश लेके आए थे, मीठा हो गया खान, जितना भी पकवान था समोसा पेठा, जितना भी मथुराई केक था, हम लोग ने खा लिया सबके मिल बांट के। और अपना भाई जो है दो समोसा खा लिया, हाफ हाफ खा लिए। उसके बाद तो उसका पेट ही भर गया, मेरा थोड़ा नहीं भरा है तो मैं बैठा हुआ, थोड़ा सा खाना खा के सो जाएंगे। बाद बाकी अपना भाई चला गया देखिए, और मम्मी अभी तक खा ही रही है, और मेरी वाइफ उधर मेला घूम घूम के थक गई है तो बैठी हुई है। तो आप लोगों को दिखाया, शेयर किया दोस्तों मेला बगीचा का कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखे पहला भाग, दूसरा भाग, अभी देख रहे हैं तीसरा भाग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो मेला वाला ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का जो ब्लॉग है अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, आप लोग अच्छे रहेगा, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो बेल आइकन कॉल पे सेट किए रहिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।